16 राज्यों के मुखिया एवं वित्त सचिवों को क्यों किया समन। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर जताई नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के गैर अनुपालन पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस मामले में 16 राज्यों के मुखिया एवं वित्त सचिवों को समन जारी करने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि हम उन्हें जेल नहीं भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें यहां आने दीजिए, फिर हलफनामा दाखिल होगा। उन्हें अभी व्यक्तिगत रूप से पेश होने दीजिए। न्यायिक अधिकारियों को पेंशन बकाए एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग SNJPC की सिफारिशों के गैर अनुपालन पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 16 राज्यों के मुखिया एवं वित्त सचिवों को समन जारी करने का आदेश दिया। SNJPC की सिफारिशों का अनुपालन सही किए जाने पर सख्त नाखुशी जाहिर करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस JVV पाड़ीवाला एवं जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, अगर हम सिर्फ यह कहेंगे कि अगर हलफनामा दायर नहीं किया तो मुख्य सचिव को पेश होना होगा, तो यह दायर नहीं होगा। पीठ ने कहा कि मुख्य और वित्त सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। ऐसा ना करने पर अदालत अवमानना का मामला शुरू करने पर बाध्य होगी। पीठ ने आंध्र प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, ओडिशा एवं राजस्थान के शीर्ष अधिकारियों को 23 अगस्त से पहले पेश होने को कहा है। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह और समय प्रदान नहीं करेगी। अदालत ने प्रस्तुत दलीलों पर गौर करने और न्यायमित्र के परमेश्वर द्वारा उपलब्ध कराए गए नोट का अवलोकन करने के बाद यह आदेश पारित किया।